बिहारी भाषा में हम आपको एक बात बोले, अगर आप एक वीडियो बना देंगे पूरा दिल से तो हम बिहारी लोग तो डेफिनेटली देखेंगे, और बिहार का आबादी तो बहुत ज्यादा है। इंसानों के लिए फ्लाइंग तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 5 अभी ऐसे तरीके बाकी हैं जिनसे 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आंखों के सराखों पे है। तो बस 5 मिनट दो अपने भाई को, मैं सब क्लियर कर देता हूँ। आइडिया आज आओ यार, उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाओ और धार्मिक होकर इस घंटे को बजा दो। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेट ज्योतिष गुडविन यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तरीका नंबर एक, पहलू नंबर पहला, सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसा जेन्यून वीडियो होना चाहिए जिसे लोग 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, पूरे 4 मिनट तक देखे। तो इस वीडियो पे आपको व्यू होना चाहिए सिर्फ 60K, जिसे बोलते हैं 60,000। काफी इजी नहीं है, काफी हार्ड भी नहीं है। अगर जो आपके उस 4 मिनट वाले वीडियो पे 60K व्यू आ जाते हैं तो आपको मालूम है आपके वॉच टाइम कितने होंगे, 2,40,000। भाई मिनट्स नहीं आवर्स, लेकिन आपको जो 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए 2,40,000 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इट्स टोटली 4000 आवर्स। अब बात आती है 60K व्यू आपके चैनल पे आएंगे कैसे। माना कि आपके पास 100 से भी कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपका क्रिएशन 100 सब्सक्राइबर के वैल्यूएबल वॉच टाइम को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, और उनके दोस्त डेफिनेटली अपने आगे के दोस्तों को शेयर करेंगे। इस तरह से एक लेडर बन जाएगी पीढ़ी बाय पीढ़ी और व्यूज आपके चैनल पे आते रहेंगे। अब इसे ऐसे समझते हैं, आप 4 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं उसमें लगाते हैं पूरे 1 डे का टाइम स्क्रिप्टिंग में, फिनिशिंग में, एडिटिंग में और मिक्सिंग में। आपका वीडियो इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि कोई भी बंदा 1 सेकंड भी वीडियो का स्किप करके नहीं देखेगा, अंत तक देखेगा। बस इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होना चाहिए। आप उसे कॉमेडी, जोक या मैजिकल वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। आज के इस समय में पेनफुल लाइफ में लोग हंसना भूल गए हैं, आप कॉमेडी से शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपके चैनल पे लोग देखने आएंगे। इसी मजाक का भी एक दायरा होता है, उसे बस क्रॉस मत करियो। Have been power to find your creativity and present it between viewers and viewers watch your video at in point of time। भाई वो इंटरेस्टिंग वीडियो बाके खोज में तो हम हूँ पगला लिए। ऐसे सवाल होंगे लोगों के, तो ऐसे सवाल का डेफिनेटली जवाब होगा आप उसे खोज नहीं रहे हैं, बैठ के पसार रहे हैं और वो झपा जा रहा है। हम बिहारी हिंदी अब बोलने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बिहार वालों को तो ये भाषा समझ में आएगी। जैसे कि आप बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में जानते होंगे, वहाँ पे 30 सेकंड का बॉलीवुड म्यूजिक यूसेज बिल्कुल फ्री है, आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट का खतरा नहीं, कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा। लेकिन बाय चांस कभी कभी आपके म्यूजिक जो है ना शेयरिंग में चले जाएंगे, आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, इससे आपका चैनल का खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ आप तो देखिए ध्यान से, आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे तो लोग आपको दिल से देखेंगे, तो शेयरिंग और अर्निंग रेवेन्यू से क्या मतलब। दूजा बात जो है लिंक शेयरिंग का, आपके पास व्हाट्सएप मीडिया है, फेसबुक मीडिया है, सोशल नेटवर्क्स है, दोस्त लोग हैं, आपके लिंक जरूर शेयर करेंगे आपका वीडियो अगर पसंद आ जाता है ना एक बार। मुद्दा नंबर 2, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्र लोग तो होंगे आपके बड़े बड़े जिनके पास खूब सारे सब्सक्राइबर होंगे, उनके साथ कोलैब कीजिए। आप ऑफलाइन कोलैब कीजिए या मिलकर कोलैब कीजिए तो कोलैब से जरूर आपको फायदा होगा। आप छोटे चैनल वाले हैं, आप खुद से लिंक शेयर करेंगे या फिर बड़े चैनल पे आपका वीडियो अगर चला जाता है ना एक बार तो उसे लोग दिल से देखेंगे, और दिल से मैं भी देखता हूँ। चल झूठा, माफी चाहूंगा झूठ बोलने के लिए। तो बात आपसे पूछे, आप हमको माफ किए कि नहीं, माफ कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो के कॉमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा आप माफी लिए कि ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बतवा यहाँ आता है कि अब हम बतवा करते हैं टॉपिक नंबर 3। YouTube में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कार्ड्स के, एनोटेशन के, आप उसको अगर बढ़िया से यूज करें ना तो आपके इंटरेस्टिंग वीडियो पे जो कार्ड्स लटकेंगे उसे यह सोचकर लोग जरूर देखेंगे, अगर ये बंदा इस वीडियो को बनाए इतना मेहनत से तो अगला वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग होगा, उसे अभी नहीं तो बाद में वीडियो को बैक करके उस कार्ड्स पे क्लिक करके चले जाएंगे। अगर जो आपको वीडियो के ये आई बटन वाला कार्ड सेट करने नहीं आता है तो ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ कलेक्टेड वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिए कार्ड कैसे सेट कर सकते हैं। और एनोटेशन भी उसी किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा सेट करने का प्रोसेस। बिहार में तो जाड़ा बहुत बढ़ गया है और आपके तरफ भी बढ़ा है ना, तो थोड़ा कंबल रजाए ओढ़ के चलिए, हम भी ओढ़ के आप। चलिए हम अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 4,
जो वीडियो का आपका मुख्य हिस्सा है, जिसे देखकर लोग पूरी वीडियो का अंत तक अंदाजा लगाते हैं और उसे खोलते हैं, ओपन करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात जाना, थंबनेल। थंबनेल अगर आपका इंटरेस्टिंग होगा तो लोग उसे प्रेस करेंगे हमारी तरह और उसे देखेंगे अंत तक। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाते जाएंगे बार 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 बार, आपके थंबनेल के अनुसार होना चाहिए। बाकी जो बात है ना, आपके थंबनेल पे वही लिखा होना चाहिए जो वीडियो में है। लिखा होने का मतलब कुछ तस्वीरें वो बयां करना चाहिए जो आपने कही है, और वह तस्वीरें वो बयां जो कर रही है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो, इंटरेस्टिंग वीडियो हो, वीडियो जेन्यून हो, टॉपिक जेन्यून हो, काम की हो, उनके पहचान की हो, नाम की हो, याद की हो, डेफिनेटली कंटिन्यूसली और अंत तक उसे देखा जाएगा। तो आप 4 मिनट्स का वीडियो बनाओ, अगर 1000 भी व्यू आते हैं पर डे, अगर 1000 नहीं आ पाते हैं, वीकली आते हैं, तो आप 10 वीडियो बना लो, 10 वीडियो पे तो कुछ ना कुछ व्यू आएंगे। कोशिश करो आप 1001 के व्यू पाने के हर वीडियो पे, लेकिन हर वीडियो को पर डे बनाओ। बस 3 घंटा टाइम दे सकते हो, सॉरी नोचा, ठीक है 4 घंटा टाइम दे सकते हो, मैं इस खुद वीडियो पे नहीं, सीक्रेट की बात आपको नहीं बता सकता। और टॉपिक नंबर 5, सबसे लास्ट सबसे आसान, आपका वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन, जो कि आपकी वीडियो को सर्च इंजन में अपियर होने या फिर सजेस्टेड वीडियो में जाने में मदद करती है। कि अब कुछ लोगों का मानना है या फिर बोलना है कि जिनके वॉच टाइम ज्यादा होते हैं या फिर अपलोड करने के साथ बहुत सारे व्यूज कलेक्ट हो जाते हैं, वह सर्च इंजन में ज्यादा अपियर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं इसे बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपका वीडियो तभी सर्च इंजन में अपियर होगा जब वो बंदा जो टॉपिक आपके वीडियो के कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन या फिर टैगलाइन से मैच करता है। आपका चाहे वीडियो पे क्यों ना 0 व्यू हो, आपकी वीडियो सर्च इंजन में जरूर अपीयर होंगे, बशर्ते उसके शर्त अनुसार यानी कि उसके टाइप के अनुसार, कीवर्ड के अनुसार मैच कर जाए। बस सिंपल सी बात है। तो यार बात आती है कि टाइटल कैसा डालें जो कि सर्च इंजन में अपीयर हो। आप खुद से एक बार सोच के देख लो कि आप इस चीज को किस तरीके से सर्च करोगे। एक नहीं, दो भी नहीं, 3 बार सोच लो, अपने दोस्तों से भी पूछ लो, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि उसका टेक्स्ट क्या होगा, कीवर्ड्स क्या होगा। तो आप उस कीवर्ड्स को डालोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उस कीवर्ड से सर्च करेंगे उस वीडियो को। और थंबनेल डालते वक्त भी यह सोच लेना कि आप इस थंबनेल को देख के क्लिक करोगे या नहीं। ये थंबनेल वाली बात तो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, तो आपको हो सकता है यह टॉपिक आपको कॉपी पेस्ट लगे, परंतु बंधु यह कॉपी पेस्ट नहीं, यूनिवर्सल सत्य है, मैं इसका शुक्रगुजार हूं। पते की बात, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लाइन या पॉइंट आउट नहीं लिखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आने वाले जरूरत के सामान, लिंक्स या फिर वीडियो के क्रेडिट्स, एडिटिंग, शूटिंग की बातें रिलेटेड लिखते हैं या फिर इनसे अदर रिलेटेड बातें जो वीडियो में है, वीडियो के काम की बातें जो आपका टाइटल बयां करती है, वह डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते हैं। माफी चाहूंगा आपसे। एक बात ध्यान दिया कि मैं बात बात पे 2 बार माफी मांगे। और टैगलाइन में वैसी बातों को मेंशन करते हैं जो सर्च इंजन के कीवर्ड्स होंगे, तो आप उन कीवर्ड्स को आप गूगल एनालिटिक में देख सकते हैं या फिर आप खुद से सर्च करके देखिए क्या आप सर्च करते हैं, तो उस अनुसार टैगलाइन में कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स लिख दो जिनसे वीडियो अपीयर होने में मदद। ये अंधेरा बस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चलिए बात खत्म हो गई, वीडियो भी खत्म हो गई। वीडियो लाइक जरूर किए होंगे, आप सब्सक्राइब चैनल को कर ही लिए होंगे और धार्मिक होकर उस घंटे को बजा दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखिए ना धोखा मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को जरूर दबाइए। अंधारों में हम बिहारी को सूझत है, आपका हरकतबा देख रहे हैं। जैसे